अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मतलब हमने तो सुना था कि जुल्म टेररिस्ट लोग करते हैं, डाकू लोग करते हैं, गुनहगार लोग करते हैं, लेकिन यहाँ तो जुल्म डॉक्टर भी करते हैं। अंबानी के हॉस्पिटल में भी जुल्म हो रहा है, यहाँ हम बैठे नीचे कब से, बच्चे का इलाज चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग ये कहते हैं कि ये अंबानी का आज तक का सबसे सीवियर केस है, मतलब सबसे खतरनाक केस है। और ताहिर से अभी हमको मिलने दिया, तो ताहिर हमारे साथ खुश रहता है, हमारे साथ बोलता है। हम जाना चाह रहे थे अभी अंदर, तो सिक्योरिटी वाले आके परेशान करने लगे, नहीं जा सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। यहाँ पे सब लोग परेशान है। देखो जनता अपने लोगों से मिलने के लिए, ये देखो जनता अपने लोगों से मिलने के लिए लाइन में लगे हुए बेचारे मरीज लोग सब। ये अंबानी का रूल्स है, देख लो। और जिसका 5 लाख का बिल है उसका 15 है, जिसको 10 लाख बोला उसका 50 है, जिसका 15 है उसका 20 है, सब रो रहे। कल तो इन्होंने एक हद ही कर दी, रात को एक आदमी मर गया, उसकी डेड बॉडी नहीं दे रहे थे सिक्योरिटी वाले। अंबानी इतना बेरहम मत बन मेरे भाई, जनता का ही पैसा है, सबका पैसा तेरे पास है, प्लेन भी तेरे पास है, वो हमारा है, तेरे पास जो कुछ है वो जनता का है। अंबानी जरा सुधर जा। और ये तो वही है, क्योंकि हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं तो करते रहो। अभी हम और पैसे भर के आए उसके लिए, हमको मिलने नहीं देते उसके साथ, हमको बैठने नहीं देते। और जितने मेरे भाई लोग हैं मेरे साथ इफ्तारी करना चाहते हैं और हक की आवाज़ उठाना चाहते हैं, मैं इधर ही बैठा हूँ। यहाँ पे आओ, खजूर और पानी से रोज़ा खोलेंगे। कोकिलाबेन अंधेरी वेस्ट। और ताहिर ने तुम सबको थैंक यू बोला है, जो जो लोग 100-200 रुपए जो भी भेज रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तुम्हारा भला करे, उससे थैंक यू बोला है। इन्होंने मेरे को बोला है कि 40 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली लगेंगे, अभी आगे और बताएंगे, ये होगा ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पे गब्बर पिक्चर में जो दिखाया ना, गब्बर में एकदम परफेक्ट दिखाया है, बाप रे बाप। ततास्तु में जो दिखाया है, अब तो यानी कि ये हो गया है कि डॉक्टर भी चोर हो गए, अल्लाह रहम करे। अभी हार्ट के उसके प्रॉब्लम के वजह से अब उसकी पूरी बॉडी का चेकअप कर रहे हैं, मतलब अब 40 लाख तो अप्रोक्सीमेटली बिल बोला है, अब कितना होगा आगे अल्लाह जानते हैं। और बात करने के इनके तरीके सुनोगे ना, बात तो करते ही नहीं है, डॉक्टर है मतलब खुदा बन गए चौधरी के। सॉरी रमज़ान में गाली दे रहे, उतना गुस्सा आ रहा है हमें, अल्लाह हमें माफ़ करे। खुदा बन गए, बात नहीं कर रहे, किसी को बैठने नहीं दे रहे वहाँ, कुछ करने नहीं दे रहे लड़के से। यार हद हो गई, यार हद हो गई भाई, हद हो गई। अरे ज़्यादा नहीं भाई, हमारी जान भी चली जाए ना, जो होगा नहीं, अल्लाह मेरे साथ है। मेरा जो भी हो जाए ना, मैं हक की आवाज़ उठाना बंद नहीं करूँगा। इतना ज़्यादा मत करो, ये जो बोलते ना मेरे को ज़्यादा मत करो, ये मत करो, उनको तो ऐसे कान के नीचे बजाओ ना साले कुत्तों, तुम्हारे घर में कुछ होगा ना मालूम पड़ेगा। ये जो डायरेक्टर लोग पिक्चर बनाते ना, राइटर लोग जो लिखते ना, वो सिचुएशन देख के तब लिखते हैं। अल्लाह के वास्ते सुधर जाओ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब सुधर जाओ। ये बड़े बड़े चोर तुम्हें लूट रहे और तुम खाली सपने देख रहे हो, हम ये करेंगे वो करेंगे। और जब हॉस्पिटल जाते ना तो इन लोग 1 लाख बोलते और 10 लाख का बिल देते हैं। ये तो हम अल्लाह दुश्मन को नहीं बिठाए, हम यहाँ बैठे हुए तो हमको पता चल रहा है कि लोग रो रहे हैं। कल याकूब भाई मिले, याकूब भाई की बहन को इन्होंने बोला 7 लाख रुपए में हो जाएगा अंबानी हॉस्पिटल में, 17 लाख बिल हुआ है उनका। रो रहे थे बैठ के कि कहाँ से लाऊं। और उनके फादर गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं, ट्रेन के अंदर टीटी है। दूसरे शीला दीक्षित जी थे, उनकी बेटी को बोला गया कि भाई आपकी बेटी है 5 लाख रुपए का, ये उनका भी 15 का बिल। और यहाँ पे कम से कम सब लोग परेशान है भाई। देखते रहो, जब तुम्हारे पे आएगी ना परेशानी तब पता चलेगा। और अल्लाह देखो सबको हजर देगा इसका। मेरे यारो अल्लाह के वास्ते मुझे मत सिखाओ, अगर पिछवाड़े में दम है ना तो एक जान को बचाना पूरी कायनात को बचाने के बराबर है। इधर आके बैठो, कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में बैठे हम लोग 4 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, ये जगा रहा हूँ तुम लोगों को, जो मुर्दे लोग सो रहे हैं ना उनको। और सलमान खान के जो फॉलोवर्स है, हम भी थे, अब नहीं है, मुंह पे बोल रहे अब नहीं है, हम उनको बुरा नहीं बोल रहे भाई,
हम उनसे प्यार करते थे और रहेंगे, लेकिन अब हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन हम सलमान भाई को इसीलिए कह रहे हैं कि सलमान भाई को पता चल जाए कि उनके यहाँ जो स्टाफ काम कर रहा है, उन स्टाफ के वजह से ये बच्चा लास्ट स्टेज पे है। मैं मानता हूँ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम खुदा नहीं हो, तुम्हारा और भी लोग आते हैं, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे पता है अगर सलमान भाई आपको पता होता ना, अभी भी आपको अगर पता चलेगा ना, तो आप यहाँ पे आओगे। सलमान भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, सलमान भाई मेरे पास जो 5-7 लाख रुपए अभी था हमने लगा दिया सलमान भाई, और पब्लिक जो 100-200 रुपए भेज रही है, और जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार, ये जो देख रहे हैं आके इस बच्चे को बचा लो, इसके पास सिर्फ 20 दिन है यार, उसमें से 4 दिन हो गए, 16 दिन है यार, आ जाओ यार, रमजान का महीना है, अल्लाह के वास्ते आके इसको बचा लो यार। अरे भाई अगर तुम लोगों को हम पे भरोसा नहीं है ना, तो अल्लाह हमको माफ करे, यहाँ पे आके हॉस्पिटल में पैसा भर दो यार, हम हीरो है भाई, हम कोई सोशल वर्कर थोड़ी है यार, हम कोई, हमारी पिक्चरें छूट गई, हमारे दुश्मन बन गए, आरएस हमें मारना चाह रहा है, बजरंग दल हमें मारना चाह रहा है, हमें मारने के लिए इतनी धमकियां दी गई है, हमारी जान को खतरा है, फिर भी हम कुछ नहीं सोच रहे भाई, अल्लाह के वास्ते आ जाओ, जो जो लोग आना चाहते हैं, हम भी देखते हैं कि हम जिनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनमें से कितने लोग आ रहे हैं हमारे साथ इफ्तारी करने के लिए, जो अपने घर से जो भी लाना चाहता है ला सकता है, हमारे पास खजूर और पानी है, और हम यहीं बैठे हैं साथ, अभी यहीं इफ्तारी कर रहे हैं, 4 दिन से हम लोग यहीं हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का सुबह पे स्वाद रखना।